अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं भरवा हरी मिर्च की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। देखते हैं भरवा हरी मिर्च बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 से 8 हमने ये बड़ी वाली हरी मिर्च ली है। 2 टेबल स्पून बेसन है। 1 टेबल स्पून इमली का गूदा है। अगर इमली का गूदा ना हो तो आप इसकी जगह पर आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून अचार का मसाला है ऑयल के साथ। अगर आपके पास अचार का मसाला ना हो तो आप खाली ऑयल भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन अचार का मसाला बहुत अच्छा टेस्ट देगा, इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा कि अचार का मसाला ही डालें आप। 1 टेबल स्पून जीरा है। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है। 1/2 टीस्पून नमक है। सबसे पहले हम हरी मिर्चों को बीच में से इस तरीके से कट कर लेते हैं। अब हम इसके जितने भी बीज है तमाम निकाल लेंगे। ये देखें, हमने ये निकाल लिए। इस तरीके से जितने भी हम तमाम के बीज निकाल लेंगे। अब ये देखें, हमने सबके निकाल लिए बीज। अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। अब ये जितने भी मसाले हैं सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए, हरी मिर्चों की फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब इसको हम हरी मिर्चों में भर लेते हैं। आप ये मिर्चें जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजेदार बनती है। कुछ कुछ टिप्स है बीच में, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप इसको इस तरीके से फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी बनेंगी। और जब आप इनको बनाएं तो आप मुझे अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। जरा अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट्स करते हैं। और मेरी रेसिपीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के तामून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और फिर मैं आगे भी मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। अभी देखिए, तमाम मिर्चों को हमने भर लिया। अब हम इनको हम फ्राई के लिए चलते हैं। यहाँ पर मैं 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाल रही हूँ। अब एक एक करके हम इसमें मिर्च डाल लेते हैं। अभी देखिए, हमने तमाम मिर्चें डाल दी। अब यहाँ पर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इनको फ्राई करें तो बिल्कुल स्लो हीट पे ही आपको फ्राई करना है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप तेज आंच करेंगे तो ये जल्दी से पक जाएंगी और इतना अच्छा इसका टेस्ट नहीं आएगा। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। अब ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाते हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और सेम उसी तरीके से हम इसको रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके। और चूल्हे की आंच हमने बिल्कुल स्लो पे रखी हुई है। अभी देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, हमारी मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं और ये बहुत मज़ेदार लग रही हैं। यकीन जानिए, जब आप इनको बना के एक बार खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगेगा और आप इसको बार बार बनाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, साथ ही बेल का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। अब अपने शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए और बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।